सोते हुए नगर पालिका के पैरों में गिरे मोहल्लेवासी। कटरा मोहल्ला पुरानी शिवपुरी में रोड और घरों में भरा हुआ है गंदा पानी। खबर कटरा मोहल्ला पुरानी शिवपुरी से आ रही है। यहां रहने वाले लोगों ने आज कलेक्ट्रेट में आवेदन देते हुए कहा कि साहब, नगर पालिका के द्वारा तलैया का पानी निकालने के लिए मोटर रखवाई गई थी, इसका गंदा पानी अब हमारे घर और आसपास में भर रहा है और साथ ही इसके कारण हमारे बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, घरों में सांप घुस जाते हैं। इसकी शिकायत पूर्व में सीएमओ साहब को की गई, लेकिन अब तक इसका निराकरण नहीं किया गया। वहीं कलेक्ट्रेट में मौजूद लोगों ने जब सीएमओ साहब को देखा तो वो दुखी होकर उनके पैरों में गिरने लगे और उनके समस्या दूर करने का भी उनसे आग्रह किया। देखिए क्या कुछ कहा मोहल्लेवासियों और एवं सीएमओ ने। अब हमारे घरों में पानी भरा है, कहीं पानी का निकास नहीं है और मुसलमानों के यहाँ और मोटरें रख दिए है, उनने घरों में मोटरें रख ली है, नगर पालिका ने रख दिया सर। वो रात में भी खोलते नल और दिन में भी मोटरें खोलते। आज सुबह हमने पानी साफ करवाया है, 24 घंटे पानी रहता है हमारे घरों में, ना ही हमारे बच्चे पढ़ने लिखने जा रहे पानी की वजह से, ना कहीं दुकान पे जा पा रहे हमारे बच्चे। 24 घंटे घरों में ही रहते हमारे पानी। कितने घरों में लगभग 25 घरों में पानी भरा था सर। तो आपने इसकी शिकायत पहले की थी? हमको निकास चाहिए पानी का सर, और कुछ नहीं चाहिए। जो जिंदगी का निकास है वो ही निकास चाहिए हमको। जब बाढ़ का समय था तो तलैया में पानी भरता था, जिससे आसपास का क्षेत्र बाढ़ डूब क्षेत्र में आ रहा था, जिसके लिए नगर पालिका ने मकानों को डूब क्षेत्र से बचाने के लिए मोटर रखवाए थे वहाँ पे। अब इनका कहना है कि वो पानी इनके घरों के पास जाता है, तो अब बारिश भी नहीं है और मोटर भी अब चल नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी मांग है कि मोटर वहाँ से हटवाए जाएँ, तो हम आज इंजीनियर को भेज के और मोटर वहाँ से। सर एक लंबा समय है सर, बहुत लंबा समय हो गया, इन लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो पाया सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? सारे शहरवासी अपने हैं, जो लोग डूब क्षेत्र में आ रहे थे वो भी अपने थे, उनके निराकरण के लिए मोटर रखवाए, ये भी अपने हैं जो यहाँ खड़े हैं, अब उसकी वजह से इनको समस्या हो रही है, तो इसका जो भी यथासंभव नगर पालिका निराकरण कर पाएगी वो करेगी। सर शहर में जगह जगह गंदगी, उसके बारे में क्या कहना है आपका?